हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अफरोज सिविल चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ ट्रेपेजॉइडल स्टिरप्स बार। इफ़ यू आर वाचिंग अफरोज सिविल चैनल फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो है जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि ट्रेपेजॉइडल स्टिरप्स का कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। मैं स्टेप वाइज बताने वाला हूं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ ट्रेपेजॉइडल स्टिरप्स। ट्रेपेजॉइडल स्टिरप्स का कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है मैं एक जो है फिगर रखा, इसका प्लान है कॉलम का। देखिए कॉलम का प्लान भी है जिसमें जो है गिवन डेटा दिया हुआ है। साइज ऑफ कॉलम दिया हुआ है 750 बाई 600 mm। ठीक है, देखिए ये लेंथ है कॉलम का, ये विड्थ है, और जो है डायामीटर ऑफ स्टिरप बार जो है 8 mm का। ये है डायामीटर ऑफ स्टिरप बार जो है 8 mm का, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है डायामीटर ऑफ वर्टिकल बार, जो वर्टिकल बार होगा कॉलम में, जो देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो 20 mm का है, और जो है क्लियर कवर जो है 40 mm का है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये क्लियर कवर है जो है 40 mm। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुझे फाइंड आउट करना है कटिंग लेंथ। तो देखें यहाँ पे इसका जो है ये ट्रेपेजॉइडल स्टिरप जो देख रहा है ये जो है इसी का मुझे कटिंग लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो है मैं इसको जो है ये फिगर को मैं यहाँ पर शो किया। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं ये है क्लोज व्यू। ठीक है, मुझे पहले फाइंड आउट करना है ए निकालना है। ठीक है, ए कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हैं ये ए है, तो ए कैसे कैलकुलेट करना है देखें यहाँ पे। ए इज इक्वल टू विड्थ, विड्थ ऑफ कॉलम, कॉलम का जो विड्थ होगा वो माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, क्लियर कवर माइनस करेंगे इन माइनस 2 इंटू हाफ डाया ऑफ स्टिरप बार। तो देखें यहाँ पर विड्थ देख सकते हैं यहाँ पे विड्थ कितना है 600 है, और क्लियर कवर जो है 40 mm है, जो एज पर ड्राइंग दिया रहेगा, ड्राइंग में भी दिया रहेगा ये 40 mm है। देखिए यहाँ पे विड्थ ऑफ कॉलम जो है ये है, और क्लियर कवर जो है दोनों साइड जो है देख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। और दोनों साइड जो है स्टिरप है उसका हाफ मुझे लेना है सेंटर टू सेंटर, तो 2 है, तो 2 इंटू हाफ डाया ऑफ स्टिरप बार। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे जो है मैं इसका वैल्यू रखूँगा फिर जो है, ताकि देखिए यहाँ पे मैं विड्थ जो है कॉलम का 600 रखा माइनस 2 इंटू क्लियर कवर। देखिए यहाँ पे है क्लियर कवर और ये है क्लियर कवर। ठीक है, तो 2 इंटू 40 या माइनस 2 इंटू हाफ डाई ऑफ स्टिरप बार। देखिए यहाँ पे भी है सेंटर तक लेना है मुझे इस डिस्टेंस से, और इधर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको ए इज इक्वल टू 512 mm। ठीक है, तो ए मिल गया। उसके बाद जो है जब ए फाइंड आउट कर लेंगे तब जो है यहाँ पे बी फाइंड आउट करेंगे स्टेप टू में। ठीक है, अब स्टेप टू में बी फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या है, यहाँ पे टोटल विड्थ जो कि है कॉलम का टोटल विड्थ माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस 2 इंटू स्टिरप डाया ऑफ बार माइनस 2 इंटू हाफ डाया ऑफ बार। ठीक है, तो टोटल विड्थ में से जो है देखें यहाँ पे क्लियर कवर दोनों साइड है, देख सकते हैं दोनों साइड क्लियर कवर है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है माइनस 2 इंटू स्टिरप डाया ऑफ बार। देखिए यहाँ पे दोनों साइड स्टिरप डाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 इंटू हाफ डाया ऑफ मेन बार। देखिए ये जो है मेन बार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मेन बार है, तो उसके जो है सेंटर तक ही मुझे जाना है, तब जो है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये बारीकी से आप समझे, यहाँ पे जो है मेन बार के सेंटर तक जाएंगे और इस साइड भी सेंटर तक जाएंगे। ठीक है, तो दोनों सेंटर टू सेंटर
तक डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्पेसिंग से डिवाइड करेंगे तो जो है जो मुझे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगा मेन बार के बीच में। तो देखिए ये स्पेसिंग कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिंग जो है 1, 2, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्पेसिंग है, तो देखिए टोटल विड्थ 600 है और 2 × क्लियर कवर कितना है 40 है, माइनस 2 × स्टीरअप डाया कितना है 8 mm है, माइनस 2 × मेन डाया ऑफ बार कितना है 20 है, तो 20 का हाफ हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। स्पेसिंग से डिवाइड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 484 डिवाइड बाय 3, तो इसको जो मिलेगा 161.33 mm मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब जो है देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल गया। अब मुझे बी फाइंड आउट करना है ना, तो बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में 2 × ½ डाया ऑफ मेन बार। देखिए यहाँ पे हाफ डाया इधर भी है और हाफ डाया इधर भी, यहाँ तक मुझे डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड हाफ डाया है मेन बार का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी मिलेगा, तो अब इसका वैल्यू मैं रखूँगा तब जाके जो है बी मिल जाएगा। आप देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का वैल्यू रखा 2 × मेन जो वर्टिकल बार है इसका हाफ रखा, तो मिल गया आपको बी जो मिला 181.33 mm। तो यहाँ पे जो है आपको बी मिल गया और ये ए मिल गया और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि 161.33 mm है। और जो अब फाइंड आउट करना है सी, ठीक है, सी फाइंड आउट करना है, ये देख सकते हैं। अब सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, और ये सी फाइंड आउट करने के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए स्टेप 3 में जो है फाइंड सी, यहाँ पे सी फाइंड आउट करेंगे। आप देखिए यहाँ पे सी फाइंड आउट करने के लिए सेम वही प्रोसेस है जब आप बी फाइंड आउट किए हैं, तो प्रोसेस सेम है। जो फार्मूला जो है यहाँ पे सेम फार्मूला है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल विड्थ माइनस 2 × क्लियर कवर माइनस 2 × स्टीरअप डाया ऑफ बार माइनस 2 × हाफ डाया ऑफ बार, ठीक है। ये स्टीरअप डाया था और ये मेन डाया है, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्पेसिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है क्लियर कवर देख सकते हैं, यहाँ पे जो है 2 क्लियर कवर माइनस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी क्लियर कवर है और इधर भी क्लियर कवर है, ये दोनों क्लियर कवर को 40 mm माइनस करेंगे। अब जो है 2 × स्टीरअप डाया ऑफ बार, देखिए यहाँ पे भी स्टीरअप डाया है और इधर भी स्टीरअप डाया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों स्टीरअप डाया को जो है माइनस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे हाफ डाया ऑफ मेन बार क्योंकि मुझे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए, ये दोनों बार का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए। अब देखिए स्पेसिंग कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 5 स्पेसिंग है, तो नंबर ऑफ स्पेसिंग कितना हो गया 5। तो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू रख दिया, कॉलम का जो लेंथ है 750 माइनस 2 × 40 क्लियर कवर माइनस 2 × स्टीरअप डाया 8, फिर हाफ डाया ऑफ मेन बार डिवाइड कर दिया 5 से नंबर ऑफ स्पेसिंग, तो मिलेगा 126.80 mm। तब यहाँ पे जो है सेंटर टू सेंटर, अब यहाँ पे जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो मिल गया आपको। अब जो है सी फाइंड आउट करना है, तो देखिए यहाँ पे सी है, ठीक है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे ताकि जो है सी मिलेगा। देखिए यहाँ पे हाफ डाया ऑफ दोनों साइड से मेन बार ऐड कर देंगे, उसके बाद स्टीरअप डाया भी ऐड करेंगे, हाफ स्टीरअप डाया तक जाएंगे, दोनों जो है स्टीरअप डाया का जो सेंटर है वहाँ तक जाएंगे। तो देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 2 × ½ डाया ऑफ मेन बार, दोनों साइड मेन बार है, प्लस 2 × ½ डाया ऑफ स्टीरअप बार। तो देखिए इसके वैल्यू रखने पे मिलेगा सी का वैल्यू 154.80 mm, मतलब कि 154.80 mm मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए आपको मिला, बी मिल गया, सी मिल गया। आप सी क्यों कैलकुलेट किए हैं आप समझ सकते हैं यहाँ पे,
क्योंकि मुझे एज फाइंड आउट करना था, हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए मुझे सी कैलकुलेट करना पड़ा था, ठीक है, इसलिए मैं सी कैलकुलेट किया हूँ। तो मुझे एच मिल जाएगा और बी मिल गया, ए मिल गया, तो कटिंग लेंथ तो कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं इस सेक्शन को लिया, देखिए यहाँ पे ए बाई टू कर दिया और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो सी था, सी यहाँ पे रखा, हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ बाई यूजिंग हाइपोटेनस फार्मूला, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट ए बाई टू का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका वैल्यू मैं रखा जो कि है 512/2 का स्क्वायर प्लस 154.80 स्क्वायर। तो ये मिलेगा आपको हाइपोटेनस 299.163 mm। तो देखिए मैं इसको कैल्सी में कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। तो देखिए अंडर रूट मैं प्रेस किया, ब्रैकेट 512/2 होल स्क्वायर, यहाँ पे पहले जो है 2, ब्रैकेट जो है मैं बाहर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दी इसका, प्लस 154.80 स्क्वायर, प्रेस करेंगे इज इक्वल टू, देखिए 299.163, देखिए यहाँ पे है mm। तो ये यहाँ से जो है मैं हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लिया। अब जो है कटिंग लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये वाला लेंथ हो जाएगा ए प्लस ये वाला लेंथ बी प्लस 2 × h, यहाँ पे दो हाइपोटेनस है दोनों साइड, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 × हुक लेंथ, देखिए यहाँ पे दो हुक है इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पे बेंड डिडक्ट करेंगे, बेंड जो है वो डिडक्ट करेंगे यहाँ पे 2 × 45° बेंड। देखिए यहाँ पे 45° बेंड कितना है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है 45° बेंड, और यहाँ देखिए 135° बेंड दो है, यहाँ पे भी है 135° बेंड, देख सकते हैं यहाँ पे कैसे बेंड हो रहा है, और ये है। तो यहाँ पे जो है मैं इसका वैल्यू रखा ए का, बी का, और एज का वैल्यू रखा, हुक लेंथ 10D और 45 पे जो है 1D होता है, 135 पे 3D होता है, मैं इन सारे वैल्यू रखा यहाँ पे पुट किया, देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टीरअप डाया था 8 mm था, इसलिए डी का वैल्यू मैं 8 रखा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पे मिलेगा 1387.565 mm, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कैल्सी में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हैं 512 + 181.33 प्लस 2 × 299.163 प्लस 2 × 10 × 8 माइनस, अब बेंड डिडक्ट करेंगे यहाँ पे 2 × 8 माइनस 2 × 3 × 8, अब देखिए इज इक्वल टू, देखिए आ गया 1387.656 mm। तो ये था कटिंग लेंथ, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कटिंग लेंथ, ठीक है।